मैंने तुझे क्या सिखाया था? चाहे तेरे सामने कोई भी क्यों ना हो, आंखों में आंखें डालकर तलवार उसके सीने में भोंकर आर पार कर देना चाहिए। मेरा बेटा पैदा होते ही मर गया था, यही कहा था ना? वो मरा नहीं है, ये रहा मेरा बेटा, मेरा प्यार, मेरी विद्या, मेरा सर्वस्व देकर इसे पाला है मैंने। हे, तू मुझे क्या मारेगा? तेरी जगह मेरा बेटा अगर मुझसे मेरी जान मांग लेता, उसी वक्त मैं दे देता। राणा, तेरे दर्द को मैंने अपना दर्द माना, तुझे खुश देखकर मैं खुशी से झूम उठता, लेकिन आज तेरी आंखों के आंसू मेरे सीने को छलनी छलनी कर रहे हैं। अगर तुझे मुझ पर वार करना है तो यहां नहीं, यहां कर। तुझे मेरे प्राण ही चाहिए ना? तुम्हें ले, वार कर। चक्रवर्तियों की बलि लेने वाला वज्रास्त्र है। जितनी ज्यादा बलि उतनी ही शक्ति, खून से सने होने पर इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। मैं अपनी इच्छा से ये अस्त्र तुझे सौंप रहा, मुझे तपस्या पूरी करने में बरसों लग जाएंगे, लेकिन मैं जरूर लौटूंगा। उस समय ये अस्त्र तुझे मेरे हवाले करना होगा। अगर ये अस्त्र कहीं खो गया तो सैकड़ों जन्म के बाद भी मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, न ही इसे रच पाऊंगा। विश्वास करके ये अस्त्र तुझे सौंप रहा हूँ, तुम इसे स्वेच्छा से लौटाओगे जब मैं वापस आऊंगा।
करने वाले भगवान थे, आप हमारा सब कुछ छीन कर हम पर जुल्म कर रहे हैं। वो भगवान था, मैं शैतान हूँ। जी? इनकी पूजा हमेशा कौन करता है तुम्हें पता है ना बेटा? रोज कृष्णा ही इनकी पूजा क्यों करती है? कृष्णा हमारे जैसे साधारण इंसान नहीं है बेटा, वो नृत्य में मेनका की तरह है, गायकों में गंधर्व की तरह है। उसके स्पर्श मात्र से सारे रोगों का निवारण हो जाता है, ऐसी संजीवनी शक्ति है उसमें बेटा। उसके खून के कण कण में श्री कृष्ण परमात्मा बसे हैं बेटा, वो आम नारी नहीं है, वो देव कन्या है, देव कन्या। जाओ ना बुला लाओ। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। क्या हुआ बेटा? ओह, चोट लग गई है, दर्द हो रहा है क्या? अभी ठीक हो जाएगा। दुर्गा है, आज इस गांव में जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। हम सभी को दूसरे गांव में जाना है, यहां से हमारा कोई संबंध नहीं। संबंध है। मुझे चाहिए। किस जंगल के जानवर हो तुम? कुछ समय भी तुम काम कस्तूरी लग रही हो, महक रही हो। काटने पर तड़पती नारी को देखा है, रोटते समय फड़फड़ाते हुए नग्न नारी को देखा है, परंतु कुछ समय आके लाल करके घूरने वाले खूबसूरत चेहरे को मैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। मैंने कितनी लड़कियों की इज्जत से खेला है, बेहिसाब औरतों के साथ ऐश की है। तुझे रखेल बना के रखूंगा, रहेगी साथ में। अपना शरीर, अपनी जान,
मैं कृष्ण के नाम अर्पित कर चुकी हूँ। तो जैसा कामुक नर राक्षस अगर मुझे छुएगा तो भस्म हो जाएगा जल के। मुझे जला के कौन भस्म करेगा? ये मूर्ति जो इस वक्त मेरे हाथ में, या फिर एक ही बार में टूटने वाली ये पत्थर की मूर्ति? शंख चक्र गदा हस्ते भक्त जना प्राण दाता क्षेत्रपाल का कुरुक्षेत्र नायका वंदे विष्णु भवभयहरं कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण आएगा समझे कृष्ण आएगा। कौन सा ये कृष्णा? कहानी और पुराणों में अच्छा लगता है ये नायक। मौका मिलने पर भी छोड़ दूं मैं कोई कंस के जैसा नहीं हूँ और इससे भीख मांगने के लिए मैं अर्जुन भी नहीं हूँ। कौन ही राक्षस? खून से ही मैं जन्मा हूँ, खून ही मैं पीता हूँ। साथ चलेगी या नहीं? मैं नहीं चलूंगी। किए हुए हर पाप का मैं एकमात्र साक्षी हूं। उस दिन जितने लोग यहां जीवित बचे उनके साथ मैं भी अपना जीवन बिता रहा हूं। वो पूरे गांव का सर्वनाश करके चला गया और मैं अंजनी पुत्र का ध्यान करते हुए उस बजरंगी के वापस लौटने की प्रतीक्षा करता रहा। उसके बाद वो कहां गया? उसका क्या हुआ? वो जहां डाका डालने के लिए गया था वहां डाका डालने के बाद अपने गांव वापस लौट आया। उसकी वो अय्याशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। अचानक उसे भयानक बीमारी लग गई। उसकी भयानक बीमारी को देखकर सभी लोग गांव छोड़कर चले गए और उसके साथियों को भी उस बीमारी ने जकड़ लिया। उसके बाद पूरा गांव एक शमशान बन गया। कृष्णा के दिए हुए श्राप से उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अस्त्र कहाँ है? पहले मुझे बचाओ। पहले ये बता मेरा अस्त्र कहाँ है? किसी तरह मुझे वो चाहिए। तुम मुझे बचाओ वरना उस अस्त्र को भूल जाओ। मेरी मृत्यु हो गई तो वो अस्त्र भी मेरे साथ चला जाएगा।
शुक्ल पक्ष में देवियों के आशीर्वाद से जन्म लेने वाली वो एक देवी कन्या है। तू जिसे अपवित्र करना चाहता था वो कोई मामूली कन्या नहीं, कृष्ण के परम भक्तों में से एक देव कन्या है। उसी के श्राप के कारण तेरी ये स्थिति हुई है, वो तुझे नहीं मिल सकती। मैं उसका हर जन्म में इंतजार करूंगा, वो एक दिन मेरे पास जरूर आएगी। पूरे राम दुर्गा को तूने जलाकर भस्म कर दिया, वो तुझे नहीं मिलेगी। वो मिलेगी, एक दिन मेरे पास जरूर आएगी। राणा, मेरा अस्त्र मुझे दे। मैं नहीं दूंगा। राणा, मुझे वो लड़की चाहिए। राणा, राणा, अगर तूने स्वेच्छा से वो अस्त्र मुझे नहीं दिया तो मैं जन्म जन्मांतर तक भी उसे रच नहीं पाऊंगा, तुझे देना ही होगा। राणा, तू मर नहीं सकता। कामातुराणम न भयम न लज्जा, तो किसी भी सूरत में उस तक नहीं पहुंच सकता। अकस्मात अगर वो पुनर्जन्म लेगी तो मैं उसे अपने वश में कर लूंगा, तब तक तेरा शरीर इसी तरह सुलगता रहेगा। मेरा अस्त्र जब तक नहीं मिल जाता तब तक ये शरीर और आत्मा मेरे वश में रहेंगे। रग 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 उस मांत्रिक ने आज भी उस आत्मा को अपने कब्जे में रखा है। उस आत्मा को कृष्णा चाहिए और उस मांत्रिक को वो अस्त्र चाहिए। अब तक उसने गांव वालों का जीना हराम कर रखा था। उस दुष्ट से हम सबको बचाने के लिए किसी न किसी रूप में बजरंगी एक दिन फिर वापस आएगा, इसी विश्वास से हम लोग जी रहे थे। और देखो तुम आ गए। आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये जहाँ भी जाते हैं सब उल्टा हो जाता है, इनकी वजह से बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल नहीं, सब ये समझते हैं कि इसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन इसी की वजह से उस परेशानी की आड़ में कितने लोगों की जान बची है। इसकी वजह से कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता। ये यहाँ आया है लोगों की भलाई के लिए, इसके नाम में ही जान है, क्योंकि ये बजरंगी वंश का है बेटी। जिस प्रकार कृष्णा के रथ पर उस अंजनी पुत्र का ध्वज लहराया था, वैसे ही इन सब के विश्वास का ये बजरंगी ही विजय ध्वज है। जीवा, हम सब की रक्षा, भरोसा, विश्वास, सब कुछ तुम ही हो।